गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रिसर्च फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि डिफ्यूजन स्टडी कैसे लगाते हैं। यह है हमारा सेलोफिल मेम्ब्रेन पेपर। इसको वाटर में डाल के ऐसे उसे सेपरेट करने का, ट्विस्ट करने का। फिर इसको कट करने का और देखने का कि ये यहाँ पे सेप ऐसा फिक्स बैठता है क्या, वैसे उसको कट करने का। इसमें अपना जो सॉल्वेंट सिस्टम बनाई है वो सॉल्वेंट सिस्टम इसमें भरने की इस ट्यूब में, और फिर उसमें एक स्टेपलर की पिन जो कि हमको दिखनी चाहिए कि अंदर स्टर हो रहा है कि नहीं। ये मैग्नेटिक स्टरर का काम करती है। तो ऐसे इसको सॉल्वेंट डालने के बाद, पिन डालने के बाद, ये ऊपर रखने का और इसके ऊपर सैंपल रखने का, और सैंपल रखने के बाद हम इसको ये फिक्स करेंगे और देखेंगे कि सॉल्वेंट अपने यहाँ पे टच हो रहा है क्या नहीं, वो अच्छे से देखेंगे और वो टच होना चाहिए, नीचे से पेपर को टच होना चाहिए। और फिर ऐसे लगाने के बाद हम इसको लगाएंगे फिट बैठने के लिए क्लिप। देखिए, हमने पहले क्या किया, पहले ट्यूब में सैंपल वगैरह पूरा प्रिपरेशन फिट करके क्लिप लगा के सब कुछ अपना सेट किया, और फिर बाद में इस मैग्नेटिक स्टरर पे हमने इसको रख दिया। यहाँ पे स्विच उसका ऑन किया, यहाँ पे हीट का है, हीट 30 पे रखिए। स्टरर ये स्टर होना चाहिए, इसलिए हम इसका स्टरर का स्पीड एडजस्ट करेंगे। ये हिलना भी नहीं चाहिए, आप दे सकते हैं अंदर वो स्टेपलर की पिन स्टर हो रही है। तो इसे ऐसा रखने का, सैंपल वगैरह पे प्लेस किया है, और यहाँ से जो ट्यूब है यहाँ से फिर हम बाद में सैंपल अपना जो टाइम इंटरवल रहेगा उस टाइम इंटरवल के हिसाब से हम यहाँ से सैंपल विड्रॉ करेंगे और उसको यूवी पे चेक करेंगे ड्रग रिलीज कितना है। थैंक यू। हाँ, अभी ठीक है, इसको पैक कर दे यहाँ से रबर से। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये है सिरिंज हमने बनाई है यहाँ इसमें से सैंपल विड्रॉल करने के लिए। तो हमने ये एक घरेलू जुगाड़ टाइप बनाया है सिरिंज। ये है रिफिल है पेन की, उसको वॉश करके हमने निकाला है, उसको कट किया है, और जो इंजेक्शन की हमारी निप है वहाँ निप पे हमने इसको डाला है, और उसको फिट करने के लिए प्लास्टिक इसको गर्म करके हमने फिट किया है, फिक्स बिठाया है। यहाँ पे लीकेज वगैरह कुछ नहीं होता, देख सकते हो। और फिर ये यहाँ से सैंपल ऐसे विड्रॉल करने का, ये जो हमारा चैम्बर है यहाँ से, तो 1 ml के हिसाब से हम सैंपल विड्रॉल करते हैं। तो ऐसे विड्रॉल करने का, अच्छे से विड्रॉल होता है ये, क्योंकि ये रिफिल लंबी है। तो नॉर्मली कैसा रहता है ना, इंजेक्शन की सिरिंज वगैरह उतनी लंबी नहीं रहती, तो सैंपल विड्रॉल करने में प्रॉब्लम आता है। तो हमने ये घरेलू टाइप जुगाड़, ऐसा नहीं है कि बाहर ऐसे दूसरे साइंटिफिक भी मिलते हैं जो लंबी से ये वाले, लेकिन अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये जुगाड़ करके इसको बनाया। काम की चीज़ है ये। और फिर एक बार सैंपल निकालने के बाद यहाँ पे सैंपल सॉल्वेंट का वॉल्यूम अपने का मेकअप करना पड़ता है। तो बाहर से हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे, फिर सैंपल लेके यहाँ पे यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, और वो जितना निकाला है उतना वो दूसरा सॉल्वेंट जो अपना सिस्टम है वो इसमें अपन ऐड करेंगे। थैंक यू।